क्लास टेंथ मैथमेटिक्स, मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9C कराने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिसेस की है, यूनिट 12 रहा है। चलिए इसके बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इफ एम इक्वल टू मैट्रिक्स 41 माइनस 12 सो दैट 6m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 9i वेयर i इज 2×2 यूनिट मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, इसमें पहले हम 6m निकाल लेते हैं। 6m मीन्स ये 6 से मल्टीप्लाई करना है, m को n कितना है, 4 है, 1 है, माइनस 1 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इन साइड, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 विद माइनस साइन और 6 हो जा 12। इसके बाद निकालते हैं m स्क्वायर। m स्क्वायर मीन्स क्या होता है, m इंटू m। एम को दोबारा लिख लीजिए, एम है आपका 4, 1, -1 एंड 2। फर्दर लिख दीजिए 4, 1, -1 एंड 2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आर और सी, फिर आर में लिखेंगे। 4×4 हो जाएगा। रूल्स ध्यान रखना है बच्चों, यही है आर सी आर का, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करना है, फिर रो में। तो 4×4 हो गया 1×-1, प्लस का रहेगा 1×-1, फिर 4×1, फिर 1×2, ऐसे -1×4 प्लस 2×-1, -1×1 प्लस 2×2। चलते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना, 4×4 जा 16 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा ये, 4×1 जा 4 हो गया ये, और 2×1 जा 2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 हो गया और माइनस का 2 आ गया, यहाँ से -1 आ जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। कितना आ गया ये हो जाएगा 16 -1 15 और ये हो जाएगा 4+2 यानी 6, माइनस का 6 हो जाएगा ये, और इधर से प्लस का 3 बन जाएगा। एम स्क्वायर भी आ गया है। अब हमें 9i निकालना है, तो 9i निकाल लीजिए। तो 9×i का मतलब क्या होता है, 1001। हर एलिमेंट्स के साथ 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9×1 जा 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आएगा और ये 9 आ गया। तो बच्चों ये हमने क्या क्या निकाल लिया, 6m निकाल लिया है, m स्क्वायर निकाल लिया है और 9i निकाल लिया है। अब इसकी इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो रख करके देखते हैं क्या बनता है। 6m-m स्क्वायर, पहले इसको निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 6m की वैल्यू ये सबसे पहले निकाली थी, तो पहले इसको लिख लेते हैं बच्चों। तो ये है आपका 24, 6 और -6 और 12 -m स्क्वायर ये निकाला हुआ है, कितना है 15 6 और -6 और 3 है, तो माइनस का 6 और 3 लिख दिया हमने। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं बच्चों, तो 24 -15 हो जाएगा और यहाँ से 6 -6 हो जाएगा, यहाँ से -6 है, इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और 12 -3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 -3 आ गया। चलिए और सिंप्लीफाई करिए इसको, क्या आएगा 24 -15 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये, 6 -6 0 हो जाएगा, यहाँ पे -6 + 6 0 हो जाएगा, 12 - 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये बच्चों देखो यहाँ से 9i के इक्वल है, सो यू कैन राइट हियर 9i, इट मीन्स कि 6m-m² इक्वल टू 9i और हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। एफ पी इक्वल टू मैट्रिक्स 2 6 3 9 एंड क्यू इक्वल टू मैट्रिक्स 3 x y to find x and y such that pq is equal to null matrix।
चलिए आपको पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, पी इंटू क्यू निकाल लेते हैं। तो पहले पी लिख लेते हैं 2639, और फर्दर क्यू लिखना है आपको, सो 3x एंड y 2। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसमें वही रूल्स वही लगाने हैं, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे फिर रो में लिखेंगे। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा, 6 into y होगा प्लस का, फिर 2 into x आएगा, फिर 6 into 2 हो जाएगा, 3 into 3 होगा यहाँ पे प्लस का, 9 into y हो जाएगा, फिर 3 into x हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9 into 2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 2 6 हो गया, और प्लस का 6y आ गया, यहाँ से 2x आ गया और प्लस का 12 हो गया, यहाँ से 9 आ गया और प्लस का 9y हो गया, यहाँ से 3x हो जाएगा और प्लस का 9 2 18। ये पी क्यू आ गया है, बट नल मैट्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नल मैट्रिक्स, क्या होती है, 2 into 2 की लेनी पड़ेगी, तो 0 0 0 ऑल द एलिमेंट्स आर 0, तो इनको सबको रख देते हैं ऐसा ही करके, तो कितना हो जाएगा, 6 plus 6y और 2x plus 12 है, और यहाँ से 9 plus 9y है, यहाँ से 3x plus 18 इक्वल टू नल मैट्रिक्स देना है, तो 0 0 0 and 0 कंपेयरिंग कर देंगे बच्चों इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 6 plus 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन 6y इक्वल टू -6, देन y इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा विद माइनस है, तो y की वैल्यू 1 आ गई है। चलिए अब ये लास्ट वाला ले लेते हैं, सेकंड लास्ट ये वाला, सो 2x plus 12 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा, सो x इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 6 12, सो x इक्वल टू -6 हो जाएगा। दैट मींस आपके आंसर में क्या आ गया, x की वैल्यू तो आ गई -6 और y की वैल्यू आ गई 1। ये x की वैल्यू निकाली है मैंने अभी बच्चों, और ये ऊपर y क्यों निकाल दिया, दोनों ही हो गए हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये है इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। तो चलिए बच्चों पहले इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो 2 into cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, -2 into sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। बच्चों वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके ये हो पाएंगे। 10 45 -1 हो जाएगा ये, cos 0 दैट 1 1 होता है, इधर देख लीजिए cot 45 1 होता है, sec 30 cosec 30 है तो इसका 2 हो जाएगा बच्चों, sec 60 इसका भी 2 हो जाएगा, और sin 90 इसका 1 होता है, तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया देख लेते हैं, 1 बचा, फिर माइनस का 1 बचा, फिर यहाँ -1 और ये 1 आ गया, और इधर क्या आया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 2 और 1 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए रूल वही रहेगा, आर सी आर, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे, रो ये हो गया कॉलम ये हो गया। चलिए करते हैं, तो 1 into 1 आएगा, -1 into 2 आ जाएगा, फिर 1 into 2 आ जाएगा, -1 into 1 आएगा, चलिए -1 into 1 आ जाएगा, फिर 1 into 2 आ जाएगा प्लस का, -1 into 2 आ जाएगा, 1 into 1 आ जाएगा,
ये कितना जाएगा, वन आ गया माइनस का टू हो गया, और यहाँ से टू आ गया माइनस का वन आ गया, यहाँ से माइनस वन आ गया और प्लस का टू आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस का टू हो गया और प्लस का वन आ जाएगा, ये माइनस वन हो गया और यहाँ पर वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा आपका, ये माइनस का वन आ जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का, और ये केवल ट्रू फॉल्स वाला है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 की हैं सभी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ले रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये ट्रू रहता है बच्चों। क्यों रहता है, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉमुटेटिव, ये आपका आंसर है इसमें। सेकंड जो है ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉमुटेटिव, कॉमुटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, बी इंटू सी इंटू ए इसका टू बी इंटू सी इंटू ए, ये ट्रू रहता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। चलिए फोर्थ पे देखते हैं, ए प्लस बी इंटू सी इसका टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये ट्रू रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। सब्ट्रैक्शन पे भी रहता है, तो फिर सब्ट्रैक्शन वाला ही है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये ट्रू है। क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। चलिए नंबर सिक्स की बात करते हैं, ए माइनस बी है इंटू सी है इक्वल टू ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी, ये भी आपका ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इजिली। अब ये एलजेब्रिक कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने देखे थे इसमें ये करेक्ट नहीं आते, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स आते हैं। लॉस ऑफ एलजेब्रा फॉर फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन आर नॉट अप्लीकेबल टू मैट्रिसेस, ये सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं है एलजेब्रिक फंक्शंस। तो चलिए इसके बाद जो है सेकंड चलता है, लास्ट वाला पॉइंट है एट्थ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ फोर फैक्टराइजेशन ये सब इम्पॉसिबल होता है, इसमें नॉट अप्लीकेबल है। तो ये यहीं पे समाप्त हो रहा है बच्चों, मैं थोड़े से क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के भी लेना चाहूँगा। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपकी 9D है, तो 9D में ये पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ये दिया हुआ है थ्री मैट्रिक्स है, थ्री माइनस टू माइनस वन फोर, टू एक्स वन प्लस टू इंटू क्या है माइनस फोर फाइव इक्वल टू फोर, यहाँ टू वाई हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो टू इंटू एक्स हो जाएगा यानी थ्री इंटू टू एक्स, और ये माइनस वन की टू एक्स से थ्री इंटू टू एक्स, फिर माइनस वन इंटू टू हो जाएगा माइनस टू इंटू वन आ जाएगा, फिर माइनस वन इंटू टू एक्स हो जाएगा माइनस वन इंटू टू एक्स, फिर फोर इंटू वन आ जाएगा, प्लस का टू के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, माइनस का एट हो जाएगा, टू फाइव जा टेन हो जाएगा, फोर की मल्टी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर की, फोर टू जा एट और ये फोर वाई। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा एक्स, और माइनस का टू हो गया, और इसके बाद यहाँ से माइनस का टू एक्स हो जाएगा और प्लस का फोर हो गया, प्लस यहाँ कितना है बच्चों, ये है माइनस का एट है और ये टेन है, इक्वल टू कितना है यहाँ पर एट है और फोर वाई है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर तो इसको प्लस करना है, तो कैसे होगा, सिक्स एक्स है माइनस का टू है और ये माइनस का एट हो जाएगा, यहाँ से माइनस टू एक्स है प्लस का फोर हो गया और प्लस का टेन हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा एट और फोर वाई,
यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 10, और यहाँ से हो गया माइनस 2x और प्लस का 14 इक्वल टू 8 4y। चलिए दोनों इक्वल कर देते हैं, कंपेयरिंग करनी है, 6x माइनस 10 इक्वल टू 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 6x इक्वल टू 8 प्लस 10 या 10 प्लस 8 कर दीजिए, 6x इक्वल टू 18 हो गया, सो x इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 6, 6 वन जा 6 और 6 3 जा 18, सो x की वैल्यू 3 आ गई है। चलिए कंपेयरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, कंपेयरिंग में क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2x है, प्लस का 14 है, ये इक्वल टू 4y, x की वैल्यू रख दीजिए तो माइनस का 2 इंटू 3 हो गया, प्लस का 14 इक्वल टू 4y, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 14 इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 8 बच जाएगा और 4y, देन y इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, 4 बन जा 4 और 4 हो जा 8, सो y इक्वल टू 2 हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, और यहीं पर ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ, ये है 3x मैट्रिक्स है, 3x 8 और 1 4 3 7 मैट्रिक्स है, माइनस 3 फिर मैट्रिक्स है 2 माइनस 7 इक्वल टू 5, मैट्रिक्स है 3 2 y। चलिए देखते हैं इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं, r c की मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी प्लस 8 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, इसकी इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 से, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 4, फिर 8 की 7 से, तो प्लस का 8 इंटू 7, यहाँ पर माइनस का 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस 3 7 जा 21 मैट्रिक्स हो गई है। और इसके बाद आ जाइए 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 हो गया और माइनस का 5 2 जा 10 वाई हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई करिए, तो ये तो आ जाएगा 3x और 8 3 जा 24, यहाँ से 4 3 जा 12x और प्लस का 8 7 जा 56, यहाँ से कितना बच गया, ये 6 माइनस का 21 मैट्रिक्स है, इक्वल टू यहाँ क्या है 15 है और माइनस का 10 ऑफ वाई। चलिए मैट्रिक्स है बच्चों, अब इसमें देखिए इसको भी माइनस करना है तो कर देते हैं, माइनस का ये 3x प्लस 24 है और माइनस का 6 हो जाएगा, फिर है 12x प्लस का 56 है और माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ है 15 और माइनस का है 10y। चलिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस कितना बच जाएगा 18, यहाँ से है 12x और प्लस का कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो जाएगा 77 इस इक्वल टू है 15 है माइनस का 10y है। चलिए इनको कंपेयर कर दीजिए, सो 3x प्लस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सो 3x इक्वल टू 15 माइनस 18 हो जाएगा, सो 3x इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 3 रहेगा, 3 बन जाए 3 और 1 ही आएगा, यानी x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, ये आ जाएगा 12x प्लस का 77 इज इक्वल टू माइनस का 10 ऑफ y, x की वैल्यू रख दीजिए तो 12 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 77 है इज इक्वल टू माइनस का 10 ऑफ y, माइनस का 12 हो गया प्लस का 77 हो गया इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10y विद माइनस साइन। इसको सिंप्लीफाई करिए तो प्लस का बच जाएगा 7 माइनस 2 करेंगे तो
बच जाएगा, और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बच जाएगा, बी प्लस साइन इसका 2 माइनस का टेन ऑफ वाई, देन वाई इसका 2 माइनस का आ जाएगा 65/10, यानी वाई इसका 2 माइनस का 6.5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ी हमारी शुरू में चल गई थी, 5 × 2 किया था तो ये 10 हो जाना चाहिए था प्लस का, तो ये बच्चों प्लस का ही है, यहाँ पे ध्यान रखना जरा इसको, ये प्लस का चला आ रहा था, ये माइनस में से हो गया था, चलिए इसको प्लस कर देता हूँ मैं, ये प्लस का साइन में, तो ये वाई की वैल्यू हमारी 6.5 आ गई। इट मीन्स ये है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई और वाई की वैल्यू आ गई 6.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये साइन चेंज कर लेना बच्चों, ये बाय मिस्टेक हो गया था, 5 × 2 और माइनस साइन लग गया था। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड है, इफ एक्स वाई मैट्रिक्स एक्स वाई है इनटू मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू 25 एंड माइनस एक्स वाई इनटू 2x y इक्वल टू -2 मैट्रिक्स है, तो इनको सॉल्व करना है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होती हैं। तो पहले हम पहले वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ, फर्स्ट है x y बिलोंग्स टू w मींस होल नंबर, सेकंड है x y बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या निकलता है। पहले देखते हैं हम x y, ये है x y, इनका बहुत ध्यान रखना बच्चों, यहाँ क्या लिखा है x और y है, और इस इक्वल टू कितना दिया है 25 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करिए, r और c की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे हम, और प्लस y की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी, इसका टू कितना है 25, भी मैट्रिक्स में है बच्चों, एक ही एलिमेंट है इसका, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स है 25, एक ही एलिमेंट है दोनों में, कंपेयर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सेकंड के लिए और कुछ दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स है माइनस का x और y है यहाँ, और ये मैट्रिक्स है 2x एंड y है, और इधर क्या है इस इक्वल टू माइनस का 2 है, चलिए इसको भी कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का एन एक्स इंटू 2x और प्लस y इंटू y हो गया, इस इक्वल टू -2 आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स -2 आ गई, मीन्स माइनस का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। करते क्या है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलिए देखते हैं सबट्रैक्शन में क्या मिलता है। पहला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, और दूसरा क्या दिया हुआ है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, चलिए करके देखते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, y स्क्वायर कैंसिल है, कुल मिलाकर के ये 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना बच्चा बच्चे 27 बच गया, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3 9 27, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ये हमारी x वैल्यू निकली है। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ रखने चालू करेंगे एक एक करके, क्या हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं प्लस का, तो y निकाल लेते हैं जरा कितना आएगा, किसी एक में रख दीजिए, तो यहीं पर रख ले रहे हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 25, सो 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ही रहेगा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ गया। अब थोड़ा यहाँ देखते हैं बच्चों, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई, पहले हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, क्या ये एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, W मीन्स होल नंबर है,
इन दैट केस क्या हो जाएगा, एक्स कल टू तो निकल के आया था, केवल प्लस वाला साइन लिया जाएगा, एक्स का प्लस 3 आ जाएगा और वाई कितना आ जाएगा, वाई का भी प्लस का ही लेंगे, 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर, जेड मतलब इंटीजर है। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्लस माइनस दोनों आएंगे क्योंकि दोनों में होते हैं इंटीजर, तो एक्स का टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 एंड वाई का टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ही आंसर आपको देने पड़ेंगे। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, ये है 4। गिवन क्या है, मैट्रिक्स 2 1 माइनस 3 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 6 राइट। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स एंड सेकेंड द मैट्रिक्स एक्स कितनी है और क्या है। फर्स्ट का ले रहे हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, ये 2 × 1 की मैट्रिक्स होगी बच्चों, तभी जाके ये मल्टीप्लाई हो पाएगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल टू 2 × 1 ले लीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये ए और बी ले लिया इसमें, तो रोज इसमें 2 हो गया, यानी 2 × 1 की मैट्रिक्स होगी बच्चों। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा है, ये कहा है 2 और 1 है, माइनस का 3 है और 4 है इंटू एक्स, एक्स को लिख लेते हैं ए और बी और इज इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स है 7 और 6। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 × a आ जाएगा प्लस 1 × b हो जाएगा, माइनस 3 × a आ जाएगा, 4 × b आ जाएगा प्लस का, और ये इक्वल टू कितना दिया है, 7 और 6 मैट्रिक्स की है, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2a + b हो गया और यहाँ से माइनस का 3a + 4b इक्वल टू यहाँ से आ गया 7 और 6। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या होगा, ये कंपेयरिंग करनी पड़ेगी इसमें, तो ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 7 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और माइनस का 3a + 4b इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इसके b को इक्वल करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, तो 4 × 8 हो जाएगा, 8a और प्लस का 4b इज इक्वल टू 4 × 7 जा कितना आ जाएगा, 28, यहाँ 28 आ जाएगा। अब ये ऐसे रखेंगे, माइनस का 3a प्लस का 4b इज इक्वल टू कितना, 6, क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, और ये बी वाला कैंसल आउट हो गया, यहाँ 8 और 3 11 a हो जाएगा और इस इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ से 22 बच जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 22 / 11, 11 से कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 2 आ गया। चलिए बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ जिससे दिखाई दे सके कहीं पर भी ढूंढे, तो अब a की वैल्यू हम रख देते हैं इस वाले फर्स्ट में, रख देते हैं 2 × a है, सो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस का b है तो b भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू 7, सो 4 + b इज इक्वल टू 7 आ गया, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा 7 - 4, सो b इक्वल टू आ गया 3, तो b भी निकल चुका है, इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी x निकल गई है, कितनी आ गई, a आ गया 2 और b आ गया 3 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा और इस तरह से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, evaluate कितना है, मैट्रिक्स है cos 45 और
साइन 30 है, अंडर रूट 2 कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यहाँ पे साइन 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं बच्चों, कॉस 45 तो 1 बाई रूट 2 होता है और साइन 30 1 बाई 2 होता है, अंडर रूट 2 कॉस 0 1 होता है, साइन 0 दैट इज 0, साइन 45 1 बाई रूट 2 और कॉस 90 दैट इज द 0, साइन 90 1, कॉट 45 दैट इज 1। चलिए अब मल्टीप्लाई करने रहेंगे ये बच्चों, रूल वही लगाना है, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे, तो ये रो है ये कॉलम है। सो 1 बाई रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 2 से, प्लस 1 बाई 2 की मल्टीप्लाई किससे, इस 1 से आ जाएगी, फिर 1 बाई रूट 2 की मल्टीप्लाई इस 0 से हो जाएगी, प्लस 1 बाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगी, ये हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ ये आ जाएगा अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 0 से और फिर है 0 की मल्टीप्लाई 1 से, और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो 1 बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये तो 1 बाई 2 हो जाएगा और प्लस का 1 बाई 2 ये भी हो जाएगा, यहाँ कितना है ये 0 हो जाएगा और प्लस का 1 बाई 2 बच जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया, ये भी 0 ही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो 1 बाई 2 1 बाई 2 ये तो 1 हो गया, अब ये 1 बाई 2 ही बचा रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.5 आ गया बच्चों, और ये 1 हो गया और ये 0 हो गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आज बच्चों इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ, बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाऊंगा इसको, इस की जो नई एक्सरसाइज चालू करी है, तब तक बच्चों नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।